अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे कचरी कीमा। उसके लिए हमें क्या क्या अशिया दरकार होगी। सबसे पहले मशीन का निकला हुआ कीमा है हाफ के जी, या आप मटन या बीफ ले सकते हैं। कचरी पाउडर 1 टेबल स्पून, बादाम है 12 अदद, खोपरा है पिसा हुआ इस तरह 1.5 टेबल स्पून, खसखस है 1 टेबल स्पून। इन तीनों को, खसखस, खोपरा एंड बादाम, इन तीनों को पहले भून लेंगे हम अच्छी तरह, देन फिर इसको पीस लेंगे, इसका एक पाउडर बन जाएगा। ठीक है, प्याज हम लेंगे, अगर आपके पास फ्राइड अनियन है तो 1/2 कप चाहिए हमें। मेरे पास फ्राइड नहीं है, काफ़ी छोटे साइज़ की प्याज है, मैंने 5-6 ले लिए, इसको मैं फ्राई करूँगी। ये जाएगी 1 कप दही जाएगा, और जो मसाला जात है वो कुछ इस तरह से हैं, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी, ये लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून, और साथ में 1/2 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, अदरक लहसुन मिला के लेना है 1 टेबल स्पून, इसको पीस लेना है। ये जायफल जावित्री है, जैसे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ये देखिए ये जायफल है और ये जावित्री है, ये 1/4 टीस्पून 1/4 टीस्पून दोनों मिला के 1/2 टीस्पून लेना है, इसको भी पीसना है। अब मैं अदरक लहसुन जायफल जावित्री को पीस लूँगी, खसखस, खोपरा और बादाम को भून के पीस लूँगी, प्याज को फ्राई करके थोड़ा हल्का सा क्रश कर दूंगी, इन सब मसाला जात को मिक्स करके एक पेस्टा बना लेंगे, एंड देन फिर इसको कीमे पर लगा देंगे तकरीबन 4 घंटे के लिए। 4 घंटे बाद 1/2 कप घी या तेल लेके इसको उसमें अच्छी तरह फ्राई करेंगे, ये खुद ही अपने पानी में गल जाएगा, इसमें फर्दर कोई पानी नहीं ऐड किया जाएगा। उसके बाद हरी मिर्च और हरे धनिया से जिस तरह के हम अपनी जो देसी डिशेज होती है गार्निश करते हैं, आप कर सकते हैं। आइए इसका आगे का तरीकेकार देखते हैं। मसाले हमारे सारे पिस चुके, ये दही ले लिया। अच्छा, अगर आप अपने कीमे को थोड़ा वॉल्यूम देना चाहते हैं तो आप 2 टेबलस्पून कच्ची प्याज भी ऐड कर सकते हैं, डाइस कटिंग, ये मैंने दही में ऐड कर दी। और स्पाइसी अगर चाहते हैं तो हरी मिर्च भी पीस के डाल सकते हैं। मैं 3 मिर्चें मैंने पीस दी हरी, उसको शामिल कर रही हूँ। और ये जो हमारे पास खसखस, लहसुन, अदरक, बादाम, खोपरा था वो शामिल कर दिया इसमें। ये सारा मसाला दही के साथ बनेगा, फिर इसमें कीमा ऐड किया जाएगा। ठीक है, ये हमारे मसाले हैं जिसमें नमक, कुटी हुई मिर्च, गरम मसाला, हल्दी एंड लाल मिर्च एंड पेपरिका पाउडर, ये शामिल कर दिया। ये जायफल जावित्री पीस ली थी मैंने, इसको शामिल कर देंगे। ये प्याज है 1/2 कप, प्याज शामिल कर दूंगी। सबसे मेन इसका इंग्रेडिएंट कचरी पाउडर, ये शामिल कर दिया। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके, बहुत अच्छी खुशबू अभी सारी, अच्छी तरह मिक्स करके इसमें कीमा शामिल करके कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए रखना है। चिकन पे भी लगा सकते हैं आप, उसके लिए कचरी की मिकदार आपको कम करनी होगी। कचरी से आपके मीट का टेक्सचर बड़ा क्रीमी हो जाता है और गलने में भी आसानी होती है। अब आइए इसमें कीमा शामिल करते हैं। ये कीमा ले लूँगी मैं, ठीक है। अब इस कीमे को अच्छी तरह इसमें मिक्स करके इसको ढककर रख दीजिए, और उसके बाद सिर्फ इसको 1/2 कप घी में या तेल में अच्छी तरह फ्राई करना है, तकरीबन 20 मिनट तक पकाना होता है इसे, पानी नहीं शामिल करना, ये अपने दही के पानी में आराम से गल जाता है। कीमे को मैरिनेट किए हुए तकरीबन 4 घंटे हो गए, इसे अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ी सी इस तरह जगह बीच में बना के, कि मैं कच्चे कीमे को ही कोयले का दम दे रही हूँ, आप चाहें तो पकने के बाद भी दे सकते हैं। फॉल के इस तरह पीस लेके इस तरह की शेप दे दूँगी इसको यहाँ। अब देखता हुआ कोयला इसमें रख के और ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट कोयले का दम देंगे। हमने कोयले के पीसेस रख दिए, थोड़ा सा इस पर इसको कवर कर देंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसको यूं ही रखा रहने देंगे, फिर 1/2 कप तेल में इसको अच्छी तरह भून के गलने तक पका लेंगे। ये तकरीबन 5 मिनट हो चुके, अब हम इसको रिमूव कर देंगे और जिस ऑयल में मैंने प्याज फ्राई किया था उसी में इसको अब मैं भून लूँगी। तेल हमारा गर्म हो चुका है,
इसको 5 मिनट तक मैं तेज़ आंच पे भूनूंगी, देन फिर मैं इसको दम पे रख दूँगी। ये तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं हमें भूनते हुए, अब इसे ढककर हल्की आंच पर कीमा गलने तक पकाएंगे। इसे ढक दूँगी और आंच भी कम कर दूँगी। ये हमें तकरीबन 20 मिनट हो चुके और ये कीमा अच्छी तरह गल चुका है, अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। आंच इसकी मीडियम ही होनी चाहिए, तेज़ आंच नहीं करनी है वरना इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा, तो ड्राई साइड पे नहीं लेके जाना। तो इसकी भुनाई अच्छे से करेंगे। पाँच मिनट तक इसको अच्छी तरह भूनूंगी, फिर इसको डिश आउट करूंगी। आइए देखते हैं इसकी सर्विंग किस तरह की जाएगी। इसको गार्निशिंग की ज़रूरत नहीं है, इटसेल्फ ही इतना स्पाइसी रिच ऑफ मसाला जाता है कि इसको फर्दर फूड डालने की ज़रूरत मुझे नहीं लग रही। सिर्फ प्याज के ये रिंग्स इसके साथ हम सर्व कर देंगे। वही दो, ये दो चटनियाँ है, हरी चटनी एंड दही वाली, इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ये पहले मैं आपको सिखा चुके। और चपाती के साथ इसको हम सर्व करेंगे। बहुत मज़े के बनते हैं ये। कचरी कीमा भी कहलाते हैं, इसको कचरी कबाब भी कहते हैं, फ्राइड कबाब कहलाते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा।